और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर अब मंथन शुरू हो चुका है। लखनऊ में बीजेपी दफ्तर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने पार्टी नेताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। सूत्रों का यह दावा है कि इस बैठक में उत्तर प्रदेश में हार की वजह पर चर्चा की गई। सूत्र ये भी दावा कर रहे हैं कि इस बैठक के पहले बंद लिफाफे में एक रिपोर्ट बीजेपी प्रदेश मुख्यालय भेज दी गई है। इसमें उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की वजहों का जिक्र किया गया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि टिकट बंटवारे में राज्य सरकार की अनदेखी, जनता के बीच बीजेपी के कई मौजूदा सांसदों के प्रति नाराजगी की वजह से नुकसान उठाना पड़ा है, इन्हीं बातों का जिक्र है उस रिपोर्ट के अंदर। और अगर सूत्रों की माने तो कई जिलों में बीजेपी के सांसद प्रत्याशियों को मां के विधायकों का भी समर्थन नहीं मिल पाया। इसके अलावा कार्यकर्ताओं की अनदेखी का खामियाजा भी पार्टी को उत्तर प्रदेश में उठाना पड़ा है। वहीं विपक्ष के आरक्षण और संविधान खत्म करने का दावा करने वाली भी जो बातें रही उनका तोड़ बीजेपी नहीं निकाल पाई और इसी वजह से बीजेपी को नुकसान पहुंचा।